होडल उपमंडल अधिकारी न रणवीर सिंह ने कहा कि देश में आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि अब की बार ऐसे चुनाव हो कि जिसमें सभी अपनी प्रतिभागिता दिखाए। पिछली बार हमारे क्षेत्र में कम प्रतिशत पर मतदान हुआ था। अब की बार हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सरकार को बनाने में सहभागिता दिखाए। उन्होंने कहा कि चुनावों को लेकर टीमें गठित कर दी गई हैं। गठित की गई थी, मैं क्षेत्र में अपने कार्य में जुट गई है। इसके अलावा लाइसेंस हथियार धारकों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वह चुनावों से पहले अपने हथियारों को होडल थाने में जमा करवा दें, जिससे इसकी शांतिपूर्ण चुनाव कराए जा सके। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता आगामी चुनाव में प्रशासन का पूरा सहयोग करें, जिससे कि चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग आपसी भाईचारे को बनाए रखते हुए इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दिखाए और ज्यादा से ज्यादा मतदान कर सरकार बनाने में अपना सहयोग दे। होडल से ब्यूरो रिपोर्ट। इसमें चुनाव है और हमारे हरियाणा में भी चुनाव है और आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता को लेकर आपने क्या क्या इंतजाम किए हैं, प्रशासनिक और जनता को, उपमंडल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश के अंदर आचार संहिता लागू हो गई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इम्प्लीमेंट हो गया है और हमारी जो प्राथमिकता है कि निष्पक्ष और एक ऐसे चुनाव हों जो सभी लोग उसमें प्रतिभागिता दिखाएं। पिछली बार हमारा जो वोटर टर्नआउट कम रहा था, तो हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट का इस्तेमाल करें और एक अच्छे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत अच्छा है और सरकार बनाने में सहभागिता दिखाएं। सर जी, जो और प्रशासन की तरफ से टीमें गठित कर दी गई है, SST की, FST की, VVT की, CVGIL टीमें हैं, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी बना दी गई है और वो अपना एक समय आ गई है और वो काम करने लग गई। सर, जो लाइसेंस धारक जो लाइसेंस धारक हथियार है उनके बारे में क्या कहना, उनको जमा कराया जा रहा है और कब तक जमा कराया जाए? बिल्कुल जैसे ही हमारा ये नोटिफिकेशन होता है उसी दौरान ये सारी चीज़ें जो है थाना जो है वो SHO उनको कॉल कर देते हैं और वो रिकवर कर लेते हैं। तो जो है वो सर आचार संहिता को लेकर अपनी उपमंडल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, सभी लोग जो है इस लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभागिता दिखाएं और अधिक से अधिक मतदान का उपयोग करें और शांति से भाईचारे को बनाए रखें और निष्पक्ष होके अपने स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए। लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, देश की सबसे बड़ी पंचायत को बनाने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो पिछली बार का जो वोटर टर्नआउट है, कई पोलिंग स्टेशनों पे मैं देख रहा हूँ कि कई जगह 50% मतदान हुआ, कई जगह 50% हुआ, कई जगह 47% था। मैं चाहता हूँ कि होडल की जनता ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में अपनी सहभागिता दिखाए।